नमस्कार दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ कटहल की बहुत ही आसान पर बहुत ही टेस्टी सब्जी। तो यहाँ मैंने आधा किलो कटहल लिया है, इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था और अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे, साथ ही इसमें आधा छोटा ग्लास पानी डालेंगे, आधा चम्मच नमक डाल दें, साथ ही आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर हाई फ्लेम पर 2 सीटी लगा लेंगे। यहाँ मैंने कटहल को निकाल लिया है, ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। कढ़ाई गर्म होने रखी है, अब इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म होने पर 1 पिंच हींग डालेंगे, आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज के प्याज को मोटे मोटे स्लाइसेस में काट लिया था, इसे भी डाल देंगे और प्याज डालकर इसे 1 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे। इस सब्जी में प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, प्याज थोड़ा कच्चा ही अच्छा लगता है। अब 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसे भी आधे मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। और अब आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, ध्यान रहे हल्दी हमने कटहल में भी डाला है। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इन सबको आधे मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भून लेंगे। अब इसमें टमाटर डालेंगे, तो यहाँ मैंने 2 टमाटर को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था, इसे भी डालकर 2 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे। टमाटर को हम बिना ढके ही भुनेंगे, हमें टमाटर को इसमें गलाना नहीं है। और अब कटहल भी डाल देंगे, साथ ही नमक भी डालेंगे। ध्यान रहे नमक हमने कटहल को बॉईल करते वक्त भी डाला है, तो सावधानी पूर्वक नमक डालें और इसे अच्छी तरह से मिला लें। साथ ही 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च भी डालेंगे। दोबारा से इसे चला लें और इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे ताकि मसालों का फ्लेवर कटहल के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। 2 मिनट ढककर पकाने के बाद 1 मिनट इसे खुले में ही पकाएंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी खत्म हो जाए। अब इसमें आधा छोटा चम्मच गर्म मसाला डालेंगे, गर्म मसाला डालकर अच्छी तरह से चला लें और आधे मिनट के लिए ढककर पकने दें ताकि गर्म मसाले का फ्लेवर भी अच्छी तरह से मिल जाए। कटहल की सब्जी बनकर हमारी तैयार है, आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, एक बार इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।